जिले के ग्राम इदारतपुर छालपा में किसानों ने खरगोन की बीज दुकान से मिर्च फसल का बीज खरीदा जो अमानक स्तर का निकला। आपको बता दें कि पूर्व में भी किसान समस्या से प्रशासन को अवगत कराने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। उस क्रम में एक बार फिर किसानों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने बताया कि मिर्च का बीज खरगोन के 4 अलग अलग जगह से खरीदा जो बर्बादी की कगार पर पहुंच गया, जबकि दूसरी वेरायटी के बीज की फसल अच्छी है। इस दौरान किसानों ने बताया कि पूर्व के सर्वे में फसल का नुकसान 50% बताया गया, जबकि 100% नुकसान हुआ है, जिसकी मुआवजा राशि वसूली जाए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्ची का हमको नकली बीज दिया गया है। हमने पहले भी आवेदन निवेदन किया है, हमारे सर्वे हुआ और हुआ तो दो किसानों के यहाँ और उसके यहाँ भी गलत रिपोर्ट दी गई है, जिसके लिए हम डबल से सर्वे करने के लिए आए। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि ये जो रिपोर्ट बनाई गई है ये सही नहीं है। हर किसान के यहाँ सर्वे होना चाहिए, रिपोर्ट बनाई जानी चाहिए। हमको ना पंचनामा दिया गया है, हमारे वहाँ आना था, हमारी रिपोर्ट बनानी थी वहीं पे खेत में, वहीं पे पंचनामा बनता, उसके बाद हमारे से साइन करवा के ये बनाते रिपोर्ट। रिपोर्ट भी इन्होंने गलत बनाई है, ये कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी मिले हुए हैं। किनसे मिले हुए? कंपनी के अधिकारियों से। ये सेमिनस मोनसेंटो की सेमिनस कंपनी है। कितना का बीज खरीदा था आपने? 570 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बीज खरीदा है। इस हिसाब से 1 किलो का सर 57,000 रुपये पैसा बन रहा है इनका। मिर्ची कितनी निकल गई अभी तक? मिर्ची उसमें से अभी तक कुछ भी नहीं निकली। इसकी तुलना में सर दूसरी वेराइटियों में अभी तक ये मान के चलो कि 2-2 लाख रुपये का मिर्चा 1 एकड़ से निकल चुकी, क्योंकि इस साल सर भाव अच्छा है हरी मिर्ची का। आपको क्या लगता है कि रिपोर्ट गलत पेश करी गई? रिपोर्ट गलत है। इन्होंने जिस हिसाब से हमको रिपोर्ट दी उसमें ये बता रहे हैं कि 22 मिर्ची लगी है। वास्तविकता ये है कि सर 22 मिर्ची लगी है पर 5% पौधों पे लगी है और उसका साइज भी 1 इंच से इतना बड़ा है, इससे ज्यादा बड़ा साइज नहीं है। अब आपके वहाँ पौधे पे लगी खाली है। मैं पवन पाटिल, कहाँ से है? इदारतपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।